बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फूड डिज़ाइनर। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश राइस, और ये बहुत स्पेशली होंगे उन लोगों के लिए जो चाइनीज़ फूड के लवर हैं। तो इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या लिया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए स्पेनिश, उसको बारी बारी कट करके रख लिया है, और इसकी धुला हुआ है, मैंने इसको धो के काट लिया है। और इसके साथ मैंने 2 टोमेटोज की प्योरी ली है, और इसके साथ मैंने स्पाइस जो लिए हैं वो चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टीस्पून है, और करी लीव्स लिए मैंने 4 से 5, और मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल किया है 1/4 टीस्पून। और ये जो पेस्ट आपको नज़र आ रहा है ये है चिली पेस्ट है, और उसी के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, दोनों 1 टेबल स्पून है। और इसके साथ जो स्पेशल है इसका वो ये राइस है, पहले से मैंने बॉईल कर लिया नमक के साथ। और अब हम इसको बनाने का तरीका आपको बता दें किस तरह से ये स्पेनिश राइस तैयार। सबसे मैंने ले ली है कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले भगाड़ जो मैंने आपको दिखाया था, चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसके साथ डाली मैं टोमेटो प्योरी जो मैं तैयार करके रखी हुई थी। अब हम तमाम चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारी टोमेटोज प्योरी सही से पक सके। देखिए व्यूअर्स, मसाले को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। देखें सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पालक जो मैंने काट के रखी हुई थी, उसका फ्लेवर बहुत यमी आएगा और बहुत डिफरेंट डिश बनेगी आपके लिए, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। अब इस मसाले को पालक के साथ अच्छी तरीके से पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से जो स्पेनिश है हमारी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है, अच्छी तरीके से इसके अंदर अरोमा आ चुका है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अपने राइस बॉईल किए हुए, 1 कप राइस लिया था मैंने, उसको बॉईल कर लिया है, उसमें अच्छी तरीके से हम फैला देंगे इस पर। और इसको टॉस कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको पलट पलट कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इसलिए कि ऑलरेडी चावल जो है फुल डन है। देखिए 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे हम, इसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से डन हो चुके हैं हमारे स्पेनिश राइस। और इसमें एक बात का ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि नमक का बैलेंस ज़रूर रखिएगा सही, इसलिए कि बॉइल करते हुए राइस में मैंने डाला है नमक, और जो हमारी जो स्पेनिश है वो होती है नमकीन होती है, पालक जो होती है वो ऑलरेडी खुद ही नमकीन होती है। तो इसमें ज़रूर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि नमक का बैलेंस आपका सही हो। तो ये परफेक्ट राइस तैयार है, मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। मैंने इसको सर्व कर दिया है, माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका लुक आया है, और बहुत यमी से इसकी स्मेल आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको मेरा बनाने का तरीका, और कैसी लगी मेरी डिश। तो बनाने का तरीका इंतहाई सिंपल है, और चंद इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो गई है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।